के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रविवार को वनटांगिया ग्रामवासियों के साथ दीपावली मनाने आए मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ हुए रवाना। सूर्य आराधना के महापर्व छठ पर यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए आरपीएफ है पूरी तरह से तैयार। डीजी रेलवे सुरक्षा बल ने कहा, चिन्हित स्थानों पर लगाई गई है अतिरिक्त पुलिस फोर्स, रिजर्वेशन काउंटर पर भी है विशेष नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, एक एक फरियादियों की सुनी समस्या, समस्याओं के समाधान के दिए आदेश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है रेलवे पुलिस बल। 186 करोड़ रुपए से आरपीएफ का होगा कायाकल्प, होगी विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति। पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन के तत्वावधान में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का महाप्रबंधक ने सत्य निष्ठा के शपथ दिलाए जाने के साथ किया शुभारंभ, निकाली गई सतर्कता जागरूकता रैली। 100 निरक्षरों को साक्षर बनाकर वंदना सिंह ने किया मिसाल कायम, जो लगाते थे पहले अंगूठा अब लिखते हैं शब्द, दूसरों को करते हैं शिक्षित। धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व, बहनों ने की अपने भाइयों के लंबी उम्र की कामना। 5 दिनों तक पूजा पंडालों में मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की पूजा के उपरांत शुरू हुआ विसर्जन, कृत्रिम तालाबों में मूर्तियां हो रही हैं विसर्जित। और कलम दवात पूजन हवन महाआरती के साथ कायस्थ समाज ने किया अपने इष्ट देव श्री चित्रगुप्त जी की आराधना।